नमस्कार दोस्तों, कुछ फैमिली मेडिकल इमरजेंसी के वजह से मैं काफ़ी दिनों से आप तक नहीं पहुंच पा रहा था और मैं वीडियोस को नहीं बना पा रहा था। करंट अफेयर्स की जो हम वीडियोस को रोज़ डिस्कस करते थे वो हम नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें अब ऑन ट्रैक हैं, सब कुछ ठीक हो चुका है और अब पूरी लगन और मेहनत से हम दोबारा आपके सामने आ चुके हैं। और इस पूरी जो छुट्टियाँ थी इसके दौरान पूरी वर्ल्ड अफेयर्स की टीम ने आपके लिए बहुत ही क्वालिटी कॉन्टेंट लेकर के आए एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से, उसको हम जारी रखेंगे। साथ साथ में जो अपनी करंट अफेयर्स की वीडियोस जो चल रही थी वो भी हम जारी रखा करेंगे और बिल्कुल मेहनत और लगन से हम दोबारा से आपके लिए वो सारी वीडियोस लाने की कोशिश किया करेंगे। तो अब हम वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर पर, और आज हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने का वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का जो पिछले 24 घंटे में आप देखो तो उनके जिंदगी में बहुत कुछ काफ़ी हैपनिंग लाइफ हो गई है उनकी पिछले एक दिन के अंदर में। एक बार बेल मिला, फिर बेल पे स्टे मिला, फिर स्टे के ऊपर सुनवाई हुई, फिर लगा कि बेल मिल जाएगी लेकिन फिर से वो स्टे हो गया। तो ये सारी चीजें जब हुई उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि वो लीगैलिटी क्या थी और इतना कुछ कैसे हो गया अचानक से अरविंद केजरीवाल जी के लाइफ में। देखो सबसे पहले आपको टू मेक इट वेरी क्लियर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पीएमएलए के अंडर में केस चला। पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत उनके ऊपर केस रजिस्टर होता है। लिकर पॉलिसी का केस था, कहा गया कि इन्होंने लिकर पॉलिसी के अंदर में करप्शन किया, उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू उन्होंने यूज़ किया गोवा इलेक्शंस के अंदर में, और उसके जो मनी ट्रेल है वो सारी चीज़ें हैं वो ईडी अपना बता रही है कि इनका मनी ट्रेल है, इनको पाया गया है और कुछ समय चाहिए हमको ये प्रूफ करने के लिए कि अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के सीएम हैं, एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है। दिल्ली का सीएम होना अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट होती है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, उनके ऊपर जब इतने गंभीर आरोप लगते हैं तो ऑब्वियसली ये केस बहुत बड़ा हो जाता है। तो उनके बताया गया कि इनको डायरेक्टली हमें इसमें अक्यूज करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए और वो वक्त के जब तक ये जांच हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो जेल में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पूरे मामले को। ऐसा होता भी है जनरल केसेस में कि अगर कोई बहुत बड़ा नेता है या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसको कोशिश किया जाता है कि जेल में रहे, नहीं तो ये इन्फ्लुएंस कर देंगे मामले को। उसी के तहत ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ था। लगातार अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से बेल एप्लीकेशंस मूव किए गए, कभी हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर, लेकिन वो रिजेक्ट होते रहे। फाइनली लोकसभा इलेक्शंस आता है, अब दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, तो कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को बिल्कुल संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत होगा, लोकतंत्र के लिए भी ये गलत होगा कि इतने बड़े नेता, इतने लोगों ने चुन करके उनको दिल्ली का सीएम बनाया है, अगर ये जेल में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको बेल दे दिया गया। बेल इनको फाइनली मिली, उसके बाद लेकिन इनसे एक रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है दिल्ली के सीएम की पोस्ट होल्ड मत करिएगा, आप एज अ सीएम कोई डिसीजन नहीं देंगे दिल्ली के अंदर में, आप सिर्फ एक नेता के तहत तौर पर बाहर जा रहे हैं कैंपेनिंग करने के लिए अपने इलेक्शन की। बकायदे उन्होंने कैंपेनिंग करी, सारी चीजें वो इलेक्शन के रिजल्ट वो सब कुछ है। तो उसके बाद उनको 1 जून को लास्ट चरण का मतलब वोटिंग होनी थी, वो लास्ट चरण की वोटिंग हुई और 2 जून को अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट के सामने सरेंडर करना था। 2 जून को उन्होंने एक ट्रायल कोर्ट के अंदर में एक बेल एप्लीकेशन फिर से मूव किया था कि हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर, कि उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब है, शुगर लेवल उनका काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तमाम चीज़ें थी उसमें। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये मामले इतने संगीन नहीं है, आपका इलाज जो है वो जेल में भी हो सकता है, जेल हॉस्पिटल में हो सकता है, तो इतने संगीन नहीं कि आपको बेल एक्सटेंड किया जाए, तो आपको दोबारा से आना पड़ेगा। वो वापस से फिर उन्होंने सरेंडर किया, वो जेल गए। उसके बाद कल यानी कि 20 जून को उन्होंने दोबारा एक बेल एप्लीकेशन मूव करी, और इस बार जो बेल एप्लीकेशन मूव करी उसकी सुनवाई ट्रायल कोर्ट में हुई, और उसकी सुनवाई जो वहाँ पर वैकेशन जज थी, न्याय बिंदु नाम था उनका, वो इसकी सुनवाई कर रही थी मामले की। अब यहाँ से आपको समझना है इस पूरे मामले को हुआ क्या। अब वैकेशन जज पहली चीज़ क्या होती है, नई चीज़ सुन रहे हैं हम। देखो जैसे हमारे स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, समर वैकेशन होता है, विंटर वैकेशन होता है, वैसे कोर्ट की भी छुट्टियाँ होती हैं, समर वैकेशन होते हैं, विंटर वैकेशन होते हैं। तो वैसे कोर्ट में अभी समर वैकेशन चल रहा है गर्मी के कारण, तो उसकी वजह से जो समर वैकेशन के टाइम पर कोर्ट पूरी तरीके से बंद तो हो नहीं सकता, जो अर्जेंट मैटर होते हैं वो तो लगते ही हैं, तो जो अर्जेंट मैटर है उसको सुनने के लिए जो जजेस प्रेजेंट होते हैं उनको वैकेशन जज कहते हैं, और वो न्याय बिंदु वैकेशन थी। तो उन्होंने इस पूरे मामले को सुना। अब इस पूरे मामले को सुनने के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को 15 मिनट में उन्होंने अपना ऑर्डर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को बेल दे दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के महकमे में काफी खुशी हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे सबसे बड़े नेता, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वो बेल पर बाहर आ रहे हैं। लेकिन ईडी को एक बहुत बड़ा झटका लगा इसमें। अब ईडी के जो ईडी का पूरा केस संभाल रहे इस पूरे मामले के अंदर में, जो ट्रायल कोर्ट के अंदर ने जिन्होंने अपनी दलीलें रखी, फिर जो हाई कोर्ट के अंदर जिन्होंने अपनी दलील रखी, वो है हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वी राजू। तो उन्होंने इसमें दो सबसे बड़े सवाल उठाए ईडी के पूरे, इस ईडी ने इस पूरे
ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर, जो बेल ऑर्डर था, उसके बाद इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हुई। फाइनली अभी ये इसमें आया है अपडेट कि हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की बेल के ऊपर स्टे लगा दिया। मतलब अरविंद केजरीवाल जी अभी अगले 2-3 दिन और जेल में ही रहने वाले हैं, जब तक कि हाई कोर्ट अपना पूरा प्रॉपर डिसीजन नहीं दे देता। उसने सारी सुनवाई कर ली और प्रॉपर डिसीजन देगा, लेकिन समझने वाली ये बात है कि हाई कोर्ट में किस बिना के ऊपर, पहले तो इनको किस बिना के ऊपर बेल दे दिया गया, कौन सा ग्राउंड के ऊपर बेल दिया गया, दूसरी चीज इनको कि किस बिना के ऊपर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगाया है, ये दो समझने वाली बात है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने किस ग्राउंड के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी थी। देखो हुआ क्या, न्याय बिंदु, जस्टिस न्याय बिंदु का अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है अरविंद केजरीवाल जी के बेल का, तो उन्होंने साफ साफ लास्ट लाइन में लिखा है इसमें कि इसमें इस पूरे मैटर के अंदर में 1200-1300 पेज का मैटर है। अब जो न्याय बिंदु, जो वोकेशन जज हैं, उनको भी तो इस पूरे मैटर को पढ़ने के लिए समय चाहिए। अब उनको, उनके पास वो समय है नहीं, लेकिन ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी कि 15 मिनट में ही उनको अपना डिसीजन देना था, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा इस पूरे मैटर में लिखा है कि उनके, देखो जज के ऊपर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हो। जज कोई भी चीज़ की, जरूरी नहीं कि वो मेरिट देखे। कई बार क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इतनी बड़ी होती है कि काफ़ी दबाव हो जाता है ट्रायल कोर्ट के जजेस के ऊपर में। तो उन्होंने नीचे साफ इस चीज़ को लिखा है कि इस मैटर का जो ये डिसीजन दिया गया है, ये इस पूरे मैटर में मेरिट्स के बेसिस पर डिसीजन नहीं दिया गया है, ये मैटर की अर्जेंसी के बेसिस पर ये डिसीजन दिया गया है। अब संजय सिंह को भी तो बेल मिली थी, जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनके केस में ईडी ने उस बेल को चैलेंज नहीं किया था। अदरवाइज वो बेल को भी अगर उनको चैलेंज करते, क्योंकि उनके अंदर, उनके ऊपर भी पीएमएलए के अंदर ही केस है, सेम उसमें केस में उनको भी लिंक किया गया है, तो वहां पर भी उनको भी बेल नहीं मिल पाती, लेकिन ईडी ने उसको चैलेंज नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के बेल को ईडी ने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। अभी हम समझेंगे आगे किस किस बेसिस पर चैलेंज किया है। तो जो न्याय बिंदु जस्टिस दी हैं, उन्होंने कोई मेरिट इसमें कंसिडर नहीं किया, क्योंकि ये 1200-1300 पेज का जजमेंट है, मतलब पूरा केस है, उसको पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। अब इसमें जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो तुरंत ही जैसे ही ये बेल ऑर्डर आता है, उसके खिलाफ वो स्टे की मांग करते हैं वहीं ट्रायल कोर्ट में, तो वहां पर इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं की जाती है। उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बाध्य हो जाते हैं और वो तुरंत इस मैटर को दिल्ली हाई कोर्ट लेकर के पहुंचते हैं। अब देखो एक पूरा प्रोसीजर होता है कोर्ट का, आप सीधे मुंह उठा करके कोर्ट नहीं पहुंच सकते कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमें न्याय चाहिए। एक पूरा प्रोसीजर होता है, आप जाएंगे रजिस्ट्रार कोर्ट में, मैटर की लिस्टिंग होगी, लिस्ट होने के बाद मैटर को पिकअप किया जाएगा, एक प्रॉपर टाइम होता है उसका। अगर कोई अर्जेंट मैटर है, जैसे नीट वाला केस आपने देखा होगा, काफी अर्जेंट था, सुप्रीम कोर्ट में उसको लगना था, तो अर्जेंट मैटर के अंदर में लिस्ट होता है और मैटर की अर्जेंसी को समझकर रजिस्ट्रार जो है उसका, उसकी लिस्टिंग करवा देते हैं कोर्ट में, और उसके बाद उसके पूरी बेंच बनाई जाती है जो कि सुनवाई करती है। ये सिंगल बेंच भी हो सकती है, डबल बेंच भी हो सकती है, ट्रिपल बेंच भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी अर्जेंसी। तो उसी तहत दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, मैटर की अर्जेंसी को समझाते हैं कि भाई उनकी बेल ऑर्डर उनका आ चुका है और वो पब्लिश होने वाला है, जैसे ही पब्लिश होगा वो जेल तक पहुंचेगा और उसके बाद वो छूट जाएंगे, और हमारे अकॉर्डिंग इस पूरे मामले में, इस पूरे जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, वो किंग पिन है इस पूरे मामले के, तो इस पूरे मैटर को बहुत डिटेल में बहुत इफेक्ट कर सकते हैं इस पूरे मामले को। तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं आपको अर्जेंटली मैटर मूव करना होगा और कोर्ट को इस मैटर को पिक करना होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर को फाइनली पिक किया उसकी अर्जेंसी को समझ करके। अब पूरे दिल्ली हाई कोर्ट में दो मुद्दों पर इस पूरे मामले को चैलेंज किया गया, अरविंद केजरीवाल जी के बेल को चैलेंज किया गया। उन्होंने कहा, सबसे पहली चीज़, जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे उनका ये बयान था कि इसमें देखिए, आर्ग्यूमेंट उनका ये था कि इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ तो टेक्निकल फ्लॉ है इस पूरे मैटर में, सिर्फ टेक्निकल फ्लॉ ये है कि इस पूरे मैटर को मेरिट के बेस पर इनको बेल नहीं दिया गया, बल्कि इनको बेल किस बेसिस पर दिया गया, इनको बेल इनके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बेसिस पर दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इज़ नो ग्राउंड फॉर बेल, सिंपल सी बात है, ये तो बेल का कोई ग्राउंड ही नहीं बनता कि ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है इसलिए इनको बेल मिल जानी चाहिए अर्जेंसी के बेसिस पर। अब देखो उसमें उन्होंने ना, जो हमारी जस्टिस न्याय बिंदु हैं, उन्होंने एक पैराग्राफ मेंशन कर दिया था, ऑन रिकॉर्ड मेंशन किया था, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के सीएम है, इतनी बड़ी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, यानी कि ईडी जो है, इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत या डायरेक्टली इनको अभी तक इस पूरे केस से लिंक भी नहीं कर पाई है, तो कोई इसका एविडेंस नहीं है, उन्होंने ऐसा कह दिया था उसमें। अब इसी चीज़ को चैलेंज कर दिया हाईकोर्ट में वी राजू ने, उन्होंने कहा, जो हमारे एसजी हैं उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एविडेंस कैसे नहीं है, हमने पूरा उनका सारी ट्रेल दी है, हमने नंबर दिया उस पर्सन का जिन्होंने सीधा सीधा बोला है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे 100 करोड़ रुपए मांगे थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर मेंशन की। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए और वो वक्त मैंने मांगा था ट्रायल कोर्ट से। उन्होंने कहा कि मैंने मांगा था कि कम से कम हमें 48 आवर्स का आप टाइम दीजिए, तब जा करके हम प्रेजेंट कर पाएंगे डॉक्यूमेंट्स। अब देखो 48 आवर्स का जो टाइम मांगा गया था ये बिल्कुल जायज़ टाइम है। देखो एक्चुअली क्या होता है कोर्ट में, आप जैसे
मुंह उठा के केस अपना लेके नहीं जा सकते, वैसे ही आप अपना मुंह उठा के एविडेंस भी लेके नहीं जा सकते कि आप ये देखिए ये फोटो है, यहाँ पर देखा मैंने इनको, ऐसा नहीं होता है कोर्ट में। कोर्ट की एक पूरी प्रोसीजर होती है, कोर्ट का प्रोसीजर वही सेम जैसा मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई मटेरियल या कोई डॉक्यूमेंट लिस्ट कराना है कोर्ट में कि जज साहब तक पहुंचे ये चीज़, उनके संज्ञान में आए या उन्होंने कुछ मंगाई है, तो वो थ्रू रजिस्ट्रार कोर्ट, फिर उस पर बाकायदे उसकी स्टैंपिंग होती है, उसकी स्टैंपिंग होने के बाद उसकी सर्चिंग होती है, उसके बाद फिर वो टाइपराइटर के पास जाता है, उसके बाद जज के पास जाता है जब आपका मैटर लिस्ट होता है। तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है। अब 1200-1300 पेज का पूरा केस है, तो उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लिस्ट करने के लिए एटलीस्ट 48 आवर्स का टाइम ईडी को चाहिए था, वो उन्होंने ट्रायल कोर्ट से मांगा था। तो यहाँ पर एक टेक्निकल फ्लॉ हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया, और इसी के बेसिस पर हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। तो पहला सवाल ये था कि भाई 1200-1300 पेज का पूरा मैटर जो है आपने 15 मिनट में उसमें जजमेंट दे दिया, और साफ आप ही खुद कह रहे हो कि मेरिट के बेस पर इसको मेरिट के बेस पर ना जज किया जाए इस पूरे मैटर को। दूसरा उन्होंने चैलेंज किया सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए के बेसिस पर। अब सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए क्या है? पीएमएलए मैंने आपको बताया ना कि ये है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट खुद अपने आप में बहुत विवादास्पद ये एक्ट रहा है, बहुत सारे केसेस हैं इसके ऊपर, और एक बार तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को भी चैलेंज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में। और उसमें सेक्शन 45 जो है ये सबसे ज़्यादा पावर देता है ईडी को। अब ये अपने आप में मैं आपको समझाता हूँ क्या है। पहले तो ये पीएमएलए जो है ये ईडी को पावर देता है कि ये कहीं भी जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वहां पर सर्च कर सकते हैं, तुरंत अरेस्ट कर सकते हैं, इवन एसेट्स को सीज भी कर सकते हैं। ये उनके पास सीधा खुला रूप है। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी ये है इस पूरे मामले को लेकर के कि पीएमएलए जो बनाया गया ये एक्चुअल में गवर्नमेंट अपने यूज़ के लिए बनाती है ताकि वो अपोजिशन की पार्टीज़ के खिलाफ इसको यूज़ कर पाए। और बड़े बड़े नेता जो हैं आप देखोगे कि एक डेटा भी मेंशन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब सुनवाई हो रही थी इसके ऊपर कि 313 अरेस्ट पिछले एक साल में किए गए हैं पीएमएलए द्वारा, पीएमएलए के अंदर में, और बड़े बड़े नेताओं के अरेस्ट किए गए हैं। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देना चाहिए इस पूरे एक्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया था। एक साल पहले का मैटर है, जस्टिस खानविलकर की बेंच थी वो। तो सेक्शन 45 जो है वो कहता है कि अगर किसी को पीएमएलए के अंदर में जो जिसके ऊपर जिसका केस अरविंद केजरीवाल जी पर है इसके अंदर में अगर किसी को बेल चाहिए तो दो कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या है कि जो पर्सन है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इस पूरे मामले में प्रिमा फेसाई इनोसेंट है। प्रिमा फेसाई मतलब शुरू से ही इनोसेंट है उस पूरे मामले में, कहीं से उसका कोई लिंक ही नहीं है इस पूरे मामले में, वो इनोसेंट है, तो उनको खुद प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि उनको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा जज को कि वो जब अगर बाहर जाते हैं इस मामले में बेल के बाद तो वो किसी भी तरीके से कोई और क्राइम कमिट नहीं करेंगे, एविडेंस को हैम्पर करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। अब जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बेसिस पर चैलेंज किया सेक्शन 45 के बेसिस पर। उन्होंने कहा सेक्शन 45 को तो देखा ही नहीं गया ट्रायल कोर्ट के अंदर में। सेक्शन 45 साफ साफ ये कहता है कि अब देखो ये ना इसीलिए ये कॉन्ट्रोवर्सी में भी रहा है सेक्शन 45 बहुत ज़्यादा। क्यों रहा है? उन्होंने कहा क्योंकि आप देखिए अब सेक्शन 45 में ये कह रहा है कि पर्सन को खुद ये प्रूफ करना होगा कि वो इनोसेंट है। हालांकि जो हमारा लीगल प्रिंसिपल कहता है कि पुलिस या जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो प्रूफ करेगी, अदरवाइज आप इनोसेंट हो कोर्ट की नज़र में। जब आप प्रूवन गिल्टी हो जाओगे तब आपको गिल्टी माना जाएगा। जब तक आपके ऊपर केस चल रहा है, भले आप जेल में हैं, भले आप बेल पे बाहर हैं, तब तक आपको गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक वो एजेंसी जो है प्रूव नहीं कर सकती आप गिल्टी हो। लेकिन ये बिल्कुल सेक्शन 45 उसका उल्टा कह रहा है। उसको उल्टा ये कह रहा है कि एजेंसी नहीं बल्कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट हैं। एजेंसी और कोर्ट तो की नज़र में तो आप गिल्टी ही हो पीएमएलए के अंदर में। तो उसके बेसिस पर, उसी लीगल प्रिंसिपल के बेसिस पर यहां पर सेक्शन 45 को चैलेंज भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब हालांकि सेक्शन 45 को रहन दिया गया एज इट इज़ और उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। एक साल पहले का केस है, खानविलकर, जस्टिस खानविलकर की बेंच थी, आप देख लेना वो केस, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस केस का, तो उसमें मैं आपको पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में वो केस। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को जो फुलफिल करेगा उसी को बेल मिलेगी। तो ये साफ साफ इसमें ईडी ने कहा कि दूसरी वाली कंडीशन तो सीधा सीधा फुलफिल ही नहीं हो रही है अरविंद केजरीवाल जी के साथ में। क्यों फुलफिल नहीं हो रही है? साफ साफ क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का ऐसा मानना है कि वो इस पूरे मामले के किंग पिन है और ऊपर से दिल्ली के सीएम हैं। अगर वो बाहर जाते हैं, आम आदमी पार्टी का पूरा जो
सबसे बड़े नेता जो उनकी इमेज है, दिल्ली के सीएम जो उनकी इमेज है, तो वो कहीं ना कहीं एविडेंसेस को हैम्पर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और जो न्याय बिंदु जो कि जस्टिस थी, वैकेशन जज थी वहाँ पर स्टाइल कोर्ट के अंदर में, जो उन्होंने बोला कि इनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो डायरेक्ट एविडेंस है हमारे पास लेकिन हमें समय चाहिए उसको प्रोड्यूस करने का, कम से कम हमें 48 घंटे का समय हमने मांगा था, वो हमें दिया नहीं गया, हालांकि हम इस कोर्ट के सामने वो सारे एविडेंस ले आ रहे हैं और वो सारे एविडेंस उन्होंने रखे, वो स्टेटमेंट्स सबके, वो सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने लिस्ट किए वहाँ पर, क्योंकि ये पूरी तैयारी से आए होंगे, एक दिन की तैयारी कल और से आज तक। तो उसके बाद उस सारे मैटर को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि हमने इसमें दोनों पक्षों को सुन लिया है और अभी हम कोई भी डिसीजन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये आप कह रहे हो कि 1200 से 1300 पन्ने का ये पूरा केस है, उसको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को पूरा समझना पड़ेगा, कौन सा ग्राउंड है, किस बेसिस पर दिया गया है, आप दोनों के आर्ग्यूमेंट जो हाई कोर्ट में अभी सबमिट हुए हैं, देखो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, उसके बाद उसके ऊपर गहन चर्चा की जाती है जजेस द्वारा, या उसको पढ़ा जाता है जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, फिर उस आर्ग्यूमेंट के मेरिट्स को देखा जाता है, केस के मेरिट्स को देखा जाता है, उसके बाद जिसका पलटा भारी होता है उसके फेवर में डिसीजन जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हाई कोर्ट को समय चाहिए। फिलहाल के लिए जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा है कि फिलहाल के लिए जो बेल मिली है अरविंद केजरीवाल जी को, उसके ऊपर हम स्टे लगाते हैं तब तक के लिए जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन हाईकोर्ट नहीं दे सकता है। और हाईकोर्ट जो फाइनल डिसीजन देने वाला है इस पूरे मामले में कि उनकी बेल स्टे होगी या उनकी बेल को एज इट इज रहन दिया जाएगा, और वो बिल्कुल सही है, वो देने में उनको 2 से 3 दिन का समय लगेगा हाईकोर्ट को। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक बार फिर से बहुत बुरी खबर है कि उनको 2 से 3 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, फिर उनकी बेल के ऊपर डिसीजन आ पाएगा कि उनको बेल मिलेगी या ना मिलेगी। तो सीधी सी बात आप इतना मान लीजिए कि ईडी जो थी, जो इस पूरे बेल को रोकना चाह रही थी, वो उसमें सफल हुई है, और एक बार और 24 घंटे के अंदर में तीसरी बार ये पूरा मामला पलट गया है। फाइनली अरविंद केजरीवाल जी अगले 2-3 दिन और जेल में रहने वाले हैं। तो अभी आपको ये पूरा मैटर, कैसे ये लिस्ट हुआ, कैसे कैसे डिसीजन दिया गया, सारा कुछ समझ में आ गया होगा, क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं पीएमएलए के अंदर में बेल के, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।